हम जा रहे हैं डोडू को लेके डॉक्टर के पास, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आज तीसरा दिन है इसके अंदर, और इसका अल्ट्रावाइट का लेंस बहुत सही है, साफ है, प्लस इट इज वेरी लाइट टू होल्ड। ऑपरेशन करवा लिया होता तो आज डोना हमारे साथ, क्योंकि आज डोना 11-12 साल होने वाले हैं, इसको कम्प्लीट करने वाले हैं। और हम लोग निकल रहे हैं 22 तारीख को टूर पे। 22 तारीख को टूर पे हम जा रहे हैं, मतलब दिन में ये गर्मी रहती है, गर्मी भी क्या रहती है, मतलब ऐसा होता है कि छोटा छोटा टाइम होगा तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपको नहीं जाना। देखो मैंने एक्चुअली मेरा लाइफ पे जो चुल होती है ना, देयर इज ऑलवेज अ चुल व्हिच मेक्स यू डू द थिंग्स लाइक दिस। सो आई एक्चुअली लव डूइंग थिंग्स व्हिच मेक्स मी हैप्पी, आई मेक मी फील हैप्पी अबाउट इट। सो डीप इंटेंस ब्लॉग आने वाले हैं मेरे इमोशन से रिलेटेड। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। हो चुकी है नए दिन की शुरुआत जो हो रही है वो बहुत लेट हो रही है, शाम के बजे 5:06। हम जा रहे हैं डोडू को लेके डॉक्टर के पास, इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आज तीसरा दिन है इसकी जो वैक्सीनेशन से करा है। आज मैं अल्ट्रा वाइड के अंदर शूट कर रहा हूँ भाई, इतना रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्योंकि जो हाथ है ना वो दूर करना पड़ता है, और हाथ जो है वो अल्ट्रा वाइड के मोड के अंदर सेट है। तो जो सारा का सारा जो वेट है मोबाइल के उसका, वो पूरा का पूरा कंधे के ऊपर पड़ता था। मैंने अभी स्वैप किया है पापा के साथ S20 प्लस के अंदर, और इसका अल्ट्रा वाइड का लेंस बहुत सही है, साफ है, प्लस इट इज़ वेरी लाइट टू होल्ड। क्या हुआ था ऐसा, पापा की उसकी डिस्प्ले ख़राब हुई भी थी, और ये सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग के लिए या मेरे पर्सनल कॉल के लिए ही नंबर जाता है। जो मेरा बिजनेस वाला फ़ोन है दैट इज़ अ डिफरेंट फ़ोन, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग नोट 10 लाइट अभी फॉर टाइम बीइंग। उसका कैमरा इसके कंपैरिजन के अंदर उतना अच्छा नहीं है, अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा बाबा जब तक आप इसको यूज़ कर रहे हो तब तक आप कर लो, बाकी जब आप उससे अगर बोर हो जाओगे नोट 20 से, आपने जब भी अपग्रेड करना होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करते हैं वो अपग्रेड, भगवान करे बहुत जल्दी करते हैं वो अपग्रेड। तो जब भी वो अपने नया फ़ोन लेंगे तो मैंने कहा आप मेरे को ये वापस दे देना, आप नया फ़ोन ले लेना, उसके बाद देखते हैं। तब तक इसको मैं ऐसे ही चलाता हूँ कि मेरे को तो भाई रिकॉर्डिंग चाहिए ना, मेरे को ज़्यादा करना है कि क्या जो रहता है, तो बेफालतू का पैसा अगर खर्च करने की वजह अगर बचता तो ठीक है ना। और हम पहुँचने वाले हैं मेट्रो पेट पहुँचने वाले हैं। मैंने पेट सॉल्यूशंस क्यों बोला, यहाँ पे दो हॉस्पिटल्स हैं, तो आई डोंट प्रेफर गोइंग टू पेट सॉल्यूशंस नाउ, आई प्रेफर गोइंग और टेकिंग माय डॉग्स टू मेट्रो पेट। कुछ ऐसा हुआ था पीछे, दो तीन बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लिया था, और मेरे को नहीं लगता अगर वो ऑपरेशन करवा लिया होता तो आज डोना हमारे साथ होती। आज डोना 11-12 साल होने वाले हैं, इसको कंप्लीट करने वाली है, और शी इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन, मतलब मेरे को ऐसा उसका बोलने लगा। बट बाकी इस बार ये क्या होता था, ये नीचे होती थी और इसकी ग्रूमिंग वगैरह पेंडिंग थी, तो ग्रूमिंग के पेंडिंग होने के चक्कर के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने जैसे ये बारिश का टाइम आता है ना तो वो टिक्स वगैरह हो गए, तो वो टिक्स ना पता नहीं चला, वो मल्टीप्लाई करते हुए ना बहुत सारे टिक्स के अंदर वो कन्वर्जन चली गई। अब उसकी वजह से स्किन एलर्जी हो चुकी है, ये नीचे रहती थी इसकी डाइट में देख नहीं पाया, तो इसने खूब दबा दबा के मीठा खाया हुआ है। अब मीठा खाने से क्या हुआ है, इसको इचिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और इसकी इचिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है। आज Day 3 है जिसके अंदर वी आर गेटिंग हर यू नो इंजेक्टेड सम मेडिसिन वगैरह कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर। कल इसकी ग्रूमिंग हमने करा दी है, देखो इसके कपड़े बाहर आ गए हैं भाई साहब, इसके कपड़े बाहर आ चुके हैं, एडिडॉग वाली इसकी हमने फेवरेट वाली इसको पहना दिया, ये देखो इसके काफ मसल्स वगैरह वापस बाहर आने शुरू हो गए हैं। और अभी तो डोडू बहुत यंग है, क्यों डोडू सही बात है ना, चले एटीट्यूड दिखाता थोड़ा सा लड़कियों वाला, ये तेरी टू इतना लगेगा सुई तो तू बोलेगी उई उई उई, चल डोना तू डर क्यों रही है, डोडू नहीं नीचे नहीं कूदना, पीछे जा, सिट खाप क्यों रही है, तेरा ऑपरेशन थोड़ा करा रहा हूँ, तेरा अपना ऑपरेशन वाला टाइम याद आ जाता है,
ये देखो इसके सारी इन्फेक्शन हुई है नोज़ पे, इसके ईयर में सारी इन्फेक्शन हुई हुई थी, ये देख रहे हो मीठा खा खा के मस्से होने शुरू हो गए हैं। ये देखो एक मस्सा यहाँ पे भी है। हमारी शाम को 5:44 पे एक्चुअली मैं बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत सारे काम मैं क्या कर रहा था, हम लोग निकल रहे हैं 22 तारीख को टूर पे, 22 तारीख को टूर पे हम जा रहे हैं। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये बड़ा मिक्सा टूर होने वाला है, मतलब इसके अंदर मैंने जो प्लान आउट किया है वो इस तरीके से प्लान आउट किया है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बजट टूर, इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टूर एंड आई एम प्लानिंग टू कवर समथिंग फ्रॉम वेरी फार फार वाली प्लेसेस। तो मतलब छोटे टूर्स नहीं मारने वाला हूँ और बहुत लंबे लंबे टूर मारने वाला हूँ। हो सकता है कि आगे आने वाली जो सीरीज है उसके अंदर कोशिश भी ये रहेगी कि मैं रात को, मतलब जो आज हुआ है वो रात को कर दूँ ताकि अगले दिन आप लोगों को सुबह मॉर्निंग में मिल जाए वो सीरीज। तो अगर मेरी वीडियोस या मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सेकंड थिंग, मैं अभी थोड़ा सा R&D कर रहा था यार, पता है मंथ एंड के अंदर जाके ना क्लोजिंग्स आ जाती हैं, क्लोजिंग के अंदर क्या होता है केसेस जितने भी हमने उठाए होते हैं ना उसको डिसबर्स कराना होता है, तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे थे जो डिसबर्स हुए हुए थे और टूर के ऊपर भी निकलना था तो मेरे को डिसबर्समेंट करानी बहुत ज़रूरी थी केसेस की। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट नगर सेक्टर 25, गाड़ी के अंदर तेल डलवाना है, बत्ती आ गई है और मैं जा रहा हूँ पापा के साथ गाड़ी स्वैप करने के लिए। होंडा सिटी के अंदर कुछ काम होने हैं, एक बार उसकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट वगैरह एक बार उसको चला के देख लेता हूँ। इसका तो वैसे सब कुछ ठीक है, इसके अंदर काफ़ी दिन से इंडिकेटर भी आ रहा था कि भैया हवा कम है, हवा कम है, वो भी हवा मैंने पूरी फुल पिच टाइट करवा ली है। सर्दियों के अंदर ऐसा होता है अक्सर कि जब आप गर्मियों से सर्दियाँ होती है ना तो रात को जैसे वेदर थोड़ा सा ठंडा होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, जैसे गाड़ी चलती है हीट प्रोड्यूस होती है ना तो वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन डलवानी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन के अपने फायदे हैं, नुकसान तो उसका कुछ भी नहीं है एज सच, लेकिन पानीपत के अंदर नाइट्रोजन डलवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, कहीं पर लोकल सर्विसेज नहीं है नाइट्रोजन की, तो गाड़ी आजकल वैसे ही बहुत कम चलती है। मैं एक्टिवा के ऊपर रहता हूँ या मैं बुलेट के ऊपर रहता हूँ, एम्प के अंदर डिस्टॉर्शंस आ रही हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एम्प की वायर अगर चेंज कर देंगे ना RC केबल तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो RC केबल मैंने ले ली थी, अच्छे वाली महंगे वाली ली है इस बार, सस्ते वाली नहीं ली है। उसकी सेटिंग करते हैं, उसके अंदर धमधम 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 बढ़ाते हैं पूरी प्रॉपर तरीके से। और ये देखो ये सारे बंदे जो हैं ये घर जाने के उसमें हैं और बस वाले ने बीच में लगा दिया, बस अपनी कतई बीच में लगा दिया। और ये देखो कैसे भर भर के लोग जा रहे हैं, ओ भाई साहब डबल डेकर के अंदर पूरे ऊपर तक बैठे हुए लोग, ओ भाई मेरे वाओ। ये ऐसे बसें रोज जा रही हैं आजकल। हमारे वाला भी तो गया है, विनोद घर गया है। जो प्लान हमारा बन रहा है वो बन रहा है, पहले हम यहाँ से निकलेंगे 22 तारीख को, 22 तारीख को हम सुबह निकलेंगे और हम जाएंगे गुरदासपुर, सॉरी 23 तारीख को हम जाएंगे सुबह, 22 तारीख को नहीं 23 तारीख को, 23 तारीख को हम सुबह निकलेंगे। तो ऑलमोस्ट पैकिंग वगैरह जो थी, जो सामान वगैरह खरीदना था वो खरीद लिया है, पैकिंग जो करनी थी वो पैकिंग हमने अभी तक कर ली है, निधि और हनूर की मेरे ख्याल से हो चुकी है, मेरी पेंडिंग है। मेरे को तो भैया ज़्यादा सामान रखना ही नहीं है ना, मतलब सामान लद के जाना ही नहीं है, मेरे तो गैजेट्स गुजेट्स जाएंगे, हैंडी कैम वगैरह जाएगा या कैम वगैरह जाएगा, लेकिन मैं इस बार सामान जो लेके जा रहा हूँ मैं बहुत वो वाला लेके जा रहा हूँ जो मेरे एक्चुअल में काम आए वहाँ पे। और मैं जाने वाला हूँ एक्सट्रीम ठंडी के अंदर, तो एक्सट्रीम ठंडी के लिए मेरे को जैकेट्स वगैरह रखनी पड़ेगी, तो जैकेट्स वगैरह भी बहुत सारी वो लेंगे, तो मेरे को एक ब्रीफकेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जाएंगे सबसे पहले गुरदासपुर, गुरदासपुर के अंदर 24 तारीख को है हवन, निधि बनी है बुआ और मैं बना हूँ भोया जी, मतलब फूफा जी, तो निधि के वहाँ पे भोया जी कहते हैं फूफा जी को, वहाँ पे जाके लाडले को मिलना है, लाडला हुआ है जब से हम तब से उसको मिले नहीं हैं। और
फिर उसके बाद मैं निकलूंगा, मेरा नैना देवी का टूर पेंडिंग था 24 तारीख को, वहाँ पे कुछ पूजा है, हवन है, तो पूजा और हवन के अंदर आई विल बी द पार्ट ऑफ इट, देन आई विल लीव. तो अभी इसको सुबह सुबह नैना देवी के दर्शन करके आई एम प्लानिंग कि वहाँ से सुबह मैं शुरू कर दूँ, तो आके नैना देवी के बाद चिंतपूर्णी के बाद अपना ऐसे करते करते मेरे को धर्मशाला वगैरह उधर वाली साइड जाना है. उसके बाद मेरे को जो आगे जो जर्नी करनी है, तो आई विल बी मतलब ट्रैवलिंग अ लिटिल मोर इन टू दैट डे इन अ सिंगल डे. तो वो सारी जर्नीज वगैरह कंप्लीट करके इधर आई विल स्लीप इन टू द कार और आई विल थिंक अबाउट थिंग्स. और मैं कहीं पे भी रास्ते के अंदर यार स्टेज वगैरह मिल जाते हैं, स्टेज वगैरह लेके आई कैन स्लीप ओवर देयर. खाने पीने की तो वैसे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो माओ के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग से तो मैं अपनी लाइफ अच्छे से स्टार्ट कर रहा हूँ ना. तो अच्छे से क्या स्टार्ट, मतलब एक और बूस्टर पैक लेने के लिए जा रहा हूँ, एक और ट्रिप लेने के लिए जा रहा हूँ कि आपने मेरी इतनी सहायता करी है, आपने इतना सब कुछ किया है. और ज्वाला जी के ऊपर हम नहीं गए थे पांडवों के उधर, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही थी. अगर आपने वो वाली सीरीज़ अगर देखी है तो टेंशन मत करो, अगर नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को फिर से वो रिलीव कराने वाला हूँ. देखो ऐसा है, माँ का बुलावा आया है, तो माँ का जो बुलावा आता है ना, तो वो ऐसे ही आता है कि आ जाओ. मतलब माँ ने मेरे को इतनी लैंडस्लाइड और उसके अंदर भी बुलाया, लेकिन मेरे को बाल भी बाका नहीं हो पाया. तो वो दीज वर द कॉस्मिक ब्लेसिंग्स, दीज वर द कॉस्मिक रेडिएशंस दैट वर विद मी. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. अभी चल रही है देखो मेरी ये क्लास, और मैं बालकनी में बैठा हूँ. यहाँ इतना प्यारा सेटअप किया है भाई साहब, मज़ा आ गया यार. मतलब मैं ना अभी थोड़ी देर में बनान के अंदर बैठा हुआ था, और अभी बज रही है रात की 2, टेम्परेचर ऑलरेडी हो चुका है 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास. मतलब दिन की गर्मी रह गई है, गर्मी भी क्या रह गई है, मतलब ऐसा होता है कि स्वेट शर्ट अगर पहनी हुई है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्यों पहन लिया, हमें पहननी नहीं चाहिए. मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्वेटीनेस होती है, एल्स आई वोर कोट टुडे. मैंने आज कोट पहना हुआ था, मैं मीटिंग वगैरह के लिए गया, मैंने थोड़ा बैंक का भी काम करना था, मैंने बैंकर्स वगैरह के साथ भी मैंने मीटिंग करी. एंड हवा चल रही है भाई अमेजिंग वाली. एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि ओके, ये एसी के ऊपर सॉरी गीज़र के ऊपर अभी रैपर उतरा नहीं है, ये एक रैपर ऐसे ही हवा में झूल रहा है. मेरे से बात करते करते ना उसकी मूवमेंट को चेक करना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते सुनते ना साथ में उसकी मूवमेंट को चेक करना. मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो आगे आने वाला टाइम है वो मेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है. क्यों? क्योंकि मैं जो प्लान कर रहा हूँ एरिया का जहाँ पे जाने का, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा ठंड होने वाली है. मतलब आई एम गोइंग टू विटनेस कि ठंड कहाँ तक पहुँची है. देखो मैंने एक्चुअली मेरा लाइफ है जो चुल होती है ना, देयर इज ऑलवेज अ चुल व्हिच मेक्स यू डू द थिंग्स लाइक दिस. तो जो चुल थी पहले वो ये थी कि भाई स्नोफॉल पड़ती कैसे है, ठीक है, मतलब यही होता ना. लेकिन बस मॉनिटरिंग कि मैं नारकंडा वगैरह गया तो मेरे को आसपास का आइडियाज लगे कि यार ठंड पानीपत कब 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 पहुँचती है, मतलब ऊपर क्या एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती होगी ना. तो
लास्ट टाइम आई वेंट फर्स्ट स्नोफॉल की बारी में, तो आई स्टार्टेड विटनेसिंग फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति. ठीक है, लाहौल एंड स्पीति मतलब अटल टनल के बाहर एंटर करते हुए स्नोफॉल मिल गई थी. सेकेंड टाइम द लास्ट स्नोफॉल ऑफ मनाली, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली होनी होनी थी, मतलब इट वॉज वेरी ऑब्वियस टू मी. और थर्ड लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस टाइम गोइंग जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द विंटर्स, सो इट कुड हैपन दैट आई गेट स्टक समवेयर वेयर इट इज़ ऑलरेडी हैविंग अ स्नोफॉल. सो इट कैन बी अ लेह लद्दाख, बिकॉज लेह लद्दाख के अंदर तो भाई शुरू हो चुकी है, श्रीनगर के अंदर भाई बहुत प्यारी स्नोफॉल हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है. एक ना पता नहीं कोई ऐसी आजकल रैंडम सजेशन वगैरह आती है, सो जो मेरी तरह जो स्टार्टर्स हैं बिगनर्स हैं उनसे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मतलब वॉट ऑल कंटेंट वी शुड डिलीवर टू गेट योर अटेंशन टूवर्ड्स अस. सो मतलब वो थोड़ी बहुत स्टडी चलती रहती है यार, लाइफ के अंदर इतनी स्टडी नहीं करेगा तो भाई ग्रो कैसे करेगा ना. कैंप, आई वांट टू रोम अराउंड द वर्ल्ड व्हेन इट्स स्नोइंग. इट इज गोइंग टू हैपन एंड इट इज गोइंग टू कम ऑन माय चैनल. एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक आई एग्जैक्टली डोंट नो, बिकॉज I am in the journey of learning things right now, and I actually love doing things which makes me happy or makes me feel happy about it. So, deep intense vlog आने वाले हैं मेरे emotions से related. And I found that what exactly I want to do in my life, and I am just going to thank them that I know that you are there. I know what are your powers. I know what exactly you do in our daily lives, and what is the major role you play with us? That is called शक्ति. मेरे सोचने की शक्ति, मेरे सांस लेने की शक्ति, मेरी महसूस करने की शक्ति, मेरा हर काम करने की शक्ति, इवन मेरी सोच की शक्ति. माँ वो तू ही तो है, और कौन है यार, माँ तेरे सिवा कुछ ही नहीं है. मतलब अगर मेरी शक्ति अगर मेरे साथ है ना, तो मतलब मेरे लाइफ में अगर मैं बोलूँ एज अ पार्टनर हु इज़ माई शक्ति, माई अर्धांगनी इज़ माई शक्ति. सो इन एवरी फॉर्म आई कैन सी मदर, माई मदर शक्ति बींग देयर. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑन दिस चैनल दैट आई हैव कंसिडर्ड शिवा एज माई नाना, मतलब होल हार्टेडली. माई नाना यूज टू लव मी सो मच. एंड आफ्टर दैट आई केम टू नो दैट माई मदर ऑलवेज कंसिडर्ड शिवा एज हर फादर. आई हैव ऑलवेज सीन शिवा एज माई नाना and Shakti is my nani, so I know them that much closely. So I felt them that much closely for a very 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 first time ever in my life, and I know their value. And aaj main jo bhi kya kar raha hu, matlab I have started to the path where I could help people to come out of their pains. They should know that where they belong. कई लोग बहुत सोचते हैं कि भाई हमारे जीवन में ना लक फैक्टर नहीं है. मतलब काफ़ी लोग सोचते होंगे यार मैं लकी नहीं हूँ. भाई मैं कहता हूँ तुम्हें ना एनर्जीज की कमी है, तुम्हारे लाइफ के अंदर कुछ और इन्फ्लुएंस है जिसको तुम्हें स्टडी करना चाहिए, जिसको तुम्हें देखना चाहिए, जिसको तुम्हें फॉलो करना चाहिए. तो टॉकिंग अबाउट दिस पार्क is a very good spark in my life, and trust me, kab kisko kahan kya mil jaye kisi ko kuch nahi pata hota. Karte hain is video ko yahin pe khatam, aur milte kal aapko ek nayi si badi si video ke andar. Theek hai, main bhi class mein lu, mera break time khatam ho gaya, and I have to give a lecture as well today in IAS meetings, and matlab I have been working around from quite long now. I have to submit my thesis as well, I have to submit my readings as well. Ho sakta hai aage aane wale time ke andar aap logo ko ek aadhi meri book mil jaye jiske upar I could reach more and more people to guide them what to achieve and how to achieve and what not to divert yourself with. तो अगर आपको अगर कभी भी किसी भी तरीके की अगर वास्तु से रिलेटेड, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ भी अगर हेल्प चाहिए हो, तो वी हैव स्टार्टेड न्यू फॉर्म कॉल्ड ऑरा पेज.
फेयर आई हैव बीन डूइंग थिंग्स ऑफलाइन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड नाउ आई एम टेकिंग थिंग्स ऑनलाइन सो गो वॉच आउट वॉट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट देयर नाउ तो मिलते हैं एक लंबी सी बड़ी सी वीडियो में बाय बाय लव यू टेक केयर